आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सैटिका के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, लेकिन ये एक्सरसाइजेस हम करेंगे पिरिफोर्मस मसल के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सैटिका का जो पेन होता है ये सिम्टम है, ये डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस हमको करनी पड़ती है कि हमको सैटिका पेन हो क्यों रहा है। ये हमें डिस्क हर्निएशन से होता है, डिस्क डीजनरेशन से होता है, स्पाइनल स्टेनोसिस से होता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस से होता है। तो ये सब चीज़ें होती है जिससे हमको सैटिका का पेन होता है, लेकिन हमको पिरिफोर्मिस मसल से भी सैटिका का दर्द होता है जब इसमें सूजन आ जाती है या चोट लग जाती है या स्कार टिश्यूज वगैरह हो जाती हैं या स्पाज्म होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी सैटिका नर्व्स हैं वो पिरिफोर्मिस मसल्स में वो पिंच हो जाती हैं या इरिटेट होने लगती हैं। तो हमारी जो लोअर बैक से सैटिका निकलती हैं ये हमारी पिरिफोर्मिस मसल से होते हुए गुजरती है जहाँ पे ये पिंच हो जाती हैं। तो अब हम समझते हैं कि पिरिफोर्मिस मसल होती क्या है। तो ये पियर शेप्ड की होती है, इसीलिए इसका नाम पिरिफोर्मिस मसल है। तो ये पीछे से चौड़ी होती है और आगे जाके ये पतली होने लगती है, तो ये ट्रायंगल शेप की होती है ये। और ये हमारे टेल बोन के पीछे से शुरू होती है और ऐसे घूमते हुए आती है और हमारे पैर के ऊपर वाले हिस्से तक ये यहाँ पर आके लगती है। तो पिरिफोर्मस मसल के फंक्शन क्या होते हैं, जैसे आपकी हिप अगर न्यूट्रल पोजीशन में है तो ये एक्सटर्नल रोटेशन में मदद करती है, और अगर आपने हिप फ्लेक्स कर ली तब इसके फंक्शन बढ़ जाते हैं। फिर ये इंटरनल रोटेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में भी ये मदद करती है, तो इसके फंक्शन बढ़ जाते हैं जब आप हिप फ्लेक्स करते हैं। और ये इसमें क्या होता है, ये हमारी सियाटिका पेन क्यों होता है इसकी वजह से, क्योंकि हमारी सियाटिका नर्व्स वैरी करता है लोगों में। कुछ लोगों की जो सैटिका नर्व्स होती है इस मसल के नीचे से और ऊपर से निकलती हैं, कुछ लोगों के नीचे से और इसके बीच से निकलती हैं, और कुछ लोगों के बीच से और ऊपर से निकलती हैं, और कुछ लोगों के ऊपर से और नीचे से निकलती हैं। तो ये अलग अलग लोगों में वैरी करता है। और ये जब मसल जो पिरिफोर्मस मसल होती है ये जब टाइट हो जाती है या इसमें स्पाज्म होने लगते हैं तो ये हमारी सैटिका नर्व को पिंच करने लगती है। तो हमको वही सारे सिम्टम जो हैं सैटिका के वही आने लगते हैं और हमको सैटिका पेन होने लगता है। और इसके साथ हमको पिरिफोर्मस मसल में हमको हमारी हिप में भी बहुत तेज पेन होता है। जैसा कि पेन हमारे नीचे जा रहा होता है उसी तरीके का पेन हमारे हिप में भी आ रहा होता है। दर्द, जलन, झुंझुनाहट, बहुत बुरा दर्द होता है, और वो बैठने पर चलने पर भी वो बढ़ता है। तो ये सब होते हैं पिरिफोर्मस मसल सिंड्रोम के सिम्टम्स। तो चलिए इन सिम्टम्स को सही करने के लिए, साथ में सैटिका के दर्द को भी ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं और वीडियो फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, और इसमें हम नी स्ट्रेच करेंगे पहली एक्सरसाइज में, और अपनी हिप मोबिलिटी के हिसाब से हम एक्सरसाइज को धीमे धीमे कठिन करते जाएंगे। तो शुरू में सबसे आसान एक्सरसाइज हम ये करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमको नी स्ट्रेच करना है, लेकिन हमको पहले जैसा नी स्ट्रेच नहीं करना है। पहले हमने स्पाइनल स्टेनोसिस वाली वीडियो में क्या किया था कि हम नी को सीधे सीधे ला रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, लेकिन इसमें हमको नी को स्ट्रेच करना तो है लेकिन हमको अपोजिट शोल्डर की तरफ ले जाना है ताकि हमारी पिरिफोर्मस मसल जो है वो अच्छे से स्ट्रेच हो सके। तो उसमें हम क्या करेंगे, अपोजिट शोल्डर वाले हाथ का हम इसकी मदद लेंगे जिससे कि एक्सरसाइज हमको थोड़ी आसान हो जाए। इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इस हाथ से लेफ्ट वाले, मान लीजिए हमको यहाँ का स्ट्रेच करना है, तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट शोल्डर की तरफ इसको ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो हमने इस नी को अपोजिट शोल्डर की तरफ ऐसे खींच लिया और जितना हम ले जा सकते हैं हम ले गए, और यहाँ पर हमको 20 सेकेंड तक होल्ड करना है। और 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हमको छोड़ देना है, और यही चीज़ हमको इस पैर से दोहरानी है। तो अब हमने ये पकड़ा और इसको हम इस वाले शोल्डर की तरफ लाएंगे ताकि हमारी दोनों जो पिरिफोर्मस मसल हैं दोनों कायदे से स्ट्रेच हो सकें। और यहाँ पर लाने पे हमको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच महसूस हो रहा है पूरी पिरिफोर्मस मसल पर। और यहाँ पर भी हम 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो इसमें हमको तीन तीन सेट्स करने, तीन सेट्स इस साइड और तीन सेट्स इस साइड, और होल्ड की जो ड्यूरेशन है वो 20 सेकेंड्स है। चलिए ये हमारी हो गई एक्सरसाइज, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर, और ये है पिरिफोर्मस स्ट्रेच, जो काफ़ी पॉपुलर एक्सरसाइज है, हम पहले भी कर चुके हैं पर इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़रूरी एक्सरसाइज है। इसमें हमको जिस साइड को हमको स्ट्रेच करना है, हमको पहले दोनों घुटनों को ऐसे रख लेना है, उसके बाद हमको जिस साइड को स्ट्रेच करना है उसको उठा के हमको दूसरे घुटने के ऊपर रख देना है, और आप ऐसे पीछे ही लेटे रहना है आपको खींचते समय। और कोशिश करिएगा कि ये चीज़ आप जितनी खोल सकें उतना बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो उतना स्ट्रेच नहीं मिलेगा। इसको जितना खोल सकें उतना बेटर होगा। अब जो बीच में गैप है इसको आपको एक बार ऐसे पकड़ लेना है और आपको फिर नीचे ही लेट जाना है, और अब आपको खींचना शुरू करना है, और जितना आप अपने पास ला सकते हैं इस घुटने को उतना लाइए। और यहाँ पर भी आपको 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, और 20 सेकेंड्स के होल्ड करने के बाद आपको छोड़ देना है, और दूसरी साइड आपको फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है, और इसके भी आपको
तीन सेट्स लगाने हैं, तीन सेट इधर और तीन सेट उधर, इधर से भी देख लेते हैं, ये हमने रखा और हमने जितना हम खोल सकते थे हमने ये चीज़ खोली और हमने यहाँ गैप से हाथ निकाला, यहाँ से ऐसे पकड़ा और इसको हमने खींचना चालू कर दिया। तो जिस जिस पैर को हम खींच रहे हैं वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है बल्कि उसका अपोजिट पैर स्ट्रेच हो रहा है जिसको हमने इस पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। तो तीन सेट लेफ्ट साइड और तीन सेट राइट साइड, ये भी हमारी एक्सरसाइज हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर, आगे बढ़ते हैं और अब हम करने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज जिसका नाम है पिजन पोज और ये एक योगा पोज है। तो ये डीप हिप रोटेशन स्ट्रेच है, तो इसमें मोबिलिटी की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और ये एक्सरसाइज थोड़ी कठिन भी ज़्यादा है, लेकिन वो आप धीमे धीमे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो मोबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी और आपका स्ट्रेच भी है वो ज़्यादा अच्छा होगा परफॉर्मेंस मसल पर, तो आपको आराम भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसको एकदम से ज़बरदस्ती ना करिएगा, धीमे धीमे इसकी प्रैक्टिस करिएगा। पहले की जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो जब आप कर लेंगे तो ये भी आपसे धीमे धीमे होने लगेगी आराम से। तो इसमें क्या करना है हमको, जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड हमको स्ट्रेच करना है तो लेफ्ट साइड वाले पैर को हम 90 डिग्री पर सामने ऐसे रख देंगे इस तरीके से, ये हमने रखा। पीछे वाला जो पैर है हम ऐसे पीछे की तरफ ऐसे छोड़ देंगे, खोल देंगे और अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस सीधे सीधे अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और ऐसे हमको बैठ जाना है और स्ट्रेच देना है जितना हम दे सकते हैं और जितना हम कंफर्टेबल हैं। तो ये तो इस समय बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच जो है वो यहाँ पर ये पूरा एरिया बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेच हो रहा है। अब आपको इसी पोजिशन में 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और आपको 20 सेकेंड्स फिर दूसरे पैर पर भी आपको 20 सेकेंड्स वैसे ही रिपीट करना है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब हम दूसरा राइट वाले पैर को करते हैं। तो राइट वाले पैर को हमने इस तरीके से रखा 90 डिग्री पर और लेफ्ट वाला हमने पीछे की तरफ खोल दिया और हम इस पे बैठ गए और हमारा जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट है। अब हमको राइट साइड भयंकर स्ट्रेच मिल रहा है, तो जो टाइटनेस वगैरह है उसमें हमको काफ़ी आराम मिलेगा और यहाँ पर हम 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर रिपीट करेंगे। तो तीन सेट लेफ्ट साइड और तीन सेट राइट साइड, 20-20 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है। तो ये हमारा जो पिजन पोज है ये भी हो चुका है। बढ़ते हैं अब अपनी अगली एक्सरसाइज पर। अब हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसे प्रेग्नेंट महिलाओं को कराया जाता है, क्योंकि इसके पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज बताई हैं सिर्फ पिजन पोज ही नहीं, बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज पहले बताई हैं वो प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं कर पाती हैं और उनको करना भी नहीं चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को इसलिए कराया जाता है क्योंकि एक्सरसाइज ये आसान होती है और प्रेग्नेंट महिलाओं को पिरिफोर्मिस सिंड्रोम होता भी है, मतलब प्रेगनेंसी भी एक कारण होता है पिरिफोर्मिस सिंड्रोम का, इसीलिए एक्सरसाइज उनको कराई जाती है। तो इसको करना कैसे है, हमको एक बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए इसके लिए, बेड हो, बेंच हो, कोई भी चीज़ हो, बस हम उस पर इस एक्सरसाइज को कर सकें। तो जैसे मान लीजिए ये बेड है हमारा सामने और इसकी हाइट इतनी है, हाइट मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए कि एक्सरसाइज बस परफॉर्म हो जाए बस। तो इसको हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए राइट साइड हमको स्ट्रेच करना है तो हम राइट साइड को पिजन पोज में जैसे हमने पैर रखा था 90 डिग्री पर उसी तरह हम 90 डिग्री पर पैर को ऐसे रख देंगे इस तरीके से। और अब हमको इसमें क्या करना है, एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है इसमें कि हमारी बैक एकदम सीधी होनी चाहिए, इसमें हमको बैक राउंड नहीं करनी है, बैक हमारी एकदम सीधी रहेगी और हमको अब सीधी बैक के साथ ही आगे की तरफ हमको झुकना है और हम जैसे जैसे आगे झुकते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो स्ट्रेच है वो और बढ़ता चला जाएगा और वो इंटेंस होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आगे आप आराम से बढ़ सकते हैं बढ़ना है आपको और फिर आपको वही 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। और इसमें आप बस ये एक चीज़ ये आपको ध्यान देना है कि आपको बैक राउंड नहीं करनी है, अगर आप राउंड करेंगे तो आप और भी आगे चले जाएंगे, लेकिन आपको आगे जाना आपका मकसद नहीं है, आपका सबसे मेन मकसद है बैक स्ट्रेट रखना और फिर आगे की तरफ झुकना जिससे कि आपका ये पिरिफोर्मिस मसल स्ट्रेच हो। क्योंकि अगर आप बैक राउंड कर देंगे तो फिर वो वहाँ से टेंशन ही चला जाएगा पिरिफोर्मिस मसल से, इसलिए आपको बैक एकदम स्ट्रेट रखनी है और आगे झुकते चले जाना है जितना ज़्यादा आप आगे झुक सकते हैं और जितना ज़्यादा आप झुकेंगे उतना ही बढ़िया आपको स्ट्रेच मिलेगा। तो 20 सेकेंड्स तक यहाँ पर होल्ड करना है और फिर छोड़कर दूसरी साइड आपको रिपीट करना है, बैक स्ट्रेट, आगे झुके झुके झुके, स्ट्रेच मिल रहा है हमको। अब मान लीजिए हम इससे आगे हम झुकना नहीं चाह रहे हैं, नहीं झुक पा रहे हैं,
20 सेकेंड्स हम यहाँ पर रुकेंगे और फिर रिलैक्स। तो 20 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है, तीन सेट इधर और तीन सेट इधर। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। आगे बढ़ते हैं और अब हम लगाने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज जिसका नाम है सिंगल लेग डेडलिफ्ट। तो आप जिम वगैरह गए होंगे, वहां पे आपने डेडलिफ्ट लगाई होगी। यहां पर हम डेडलिफ्ट लगाएंगे लेकिन अपने बॉडी वेट से लगाएंगे और एक पैर का इस्तेमाल करेंगे और वो पैर वही होगा जो हमारी इफेक्टेड साइड होगी। मान लीजिए राइट साइड मेरी इफेक्टेड साइड है, मुझे यहां पर इस साइड प्रॉब्लम है, तो वो साइड जो है वो फ्लोर पर रहेगी, बाकी की साइड हम उठाएंगे और गिराएंगे। तो वो देखते हैं हमको कैसे करना है। तो मान लीजिए राइट साइड वाले पैर पे मुझे दर्द है तो वो पैर फ्लोर पर ही रहेगा। और हमको करना क्या है, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि हमको अपनी जो बैक है वो स्ट्रेट रखनी है शुरू से एंड तक, जैसे हम डेडलिफ्ट में रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम आगे झुकना शुरू होंगे और जैसे जैसे हम आगे झुकना शुरू होंगे वैसे वैसे हमारा अपोजिट पैर जो है वो उसी के साथ उठता चला जाएगा और ये हमारी पोजिशन रहेगी। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी बैक जो है एकदम स्ट्रेट है। बैक को आपको राउंड नहीं करना है, अगर आपने राउंड किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसमें आपको सीधे बैक रखनी है और ऐसे झुकना है जैसे हम अभी पिजन पोज कर रहे थे, उस पर रख के पैर बेंच पर, वैसे ही हमको कुछ काफ़ी कुछ वैसे ही हमको करना है। बस इसमें हम सपोर्ट किसी चीज़ का नहीं ले रहे हैं और हमारा पैर भी पीछे उसी हिसाब से उठता जाएगा जिस हिसाब से हम आगे की तरफ झुकते जाएंगे। और फिर जब हमको वापस आना है तो हम अफेक्टेड साइड वाले हिप का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सीधे कर देंगे इस तरह से। फिर हम जाएंगे झुके झुके जितना झुक सकते हैं, हमने पीछे वाला पैर उठाया जितना हम उठा सकते हैं, थोड़ा सा रुके, एक दो सेकंड रुके और फिर अफेक्टेड साइड वाले हिप का इस्तेमाल करते हुए हमने वापस अपने आप को खींच लिया। तो इसी तरह से आपको करना है और जो साइड आपकी अफेक्टेड नहीं है उसको भी आपको करना है। तो ये आप 10-10 बार कर सकते हैं, 10 बार इधर और 10 बार इधर, लेकिन इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। तो टोटल मान लीजिए 30 साइड इधर, 30 बार इधर और 30 बार इधर। तो एक बार देख लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं लेफ्ट साइड से करूं, लेफ्ट वाले पैर से करूं तो कैसे होगा, वो इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा आप घुटना मोड़ भी सकते हैं क्योंकि डेड लिफ्ट में हल्का सा घुटना मोड़ा जाता है और फिर हिप का इस्तेमाल करते हुए आपको वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब हम करने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज जिसका नाम है क्लैंप शेल और इसमें हिप रोटेशन मूवमेंट होगा और इसमें रिफॉर्मस मसल हमारी काम करेगी। तो इसमें हमको जो साइड जो हमारी दर्द कर रही है उस साइड को ऊपर की तरफ रखना है। और अब हम क्या करेंगे, पैरों को ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे मोड़ लेंगे। अब बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बस हमारे हमको अपने पैर खोलने हैं, लेकिन हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे सोल हैं ये ऐसे चिपके रहेंगे, ये नहीं हिलेंगे, खाली हमारे घुटने खुलेंगे और हमारा जो ऊपर वाला घुटना है जो अफेक्टेड साइड है वो दूसरे घुटने से दूर जाएगी। तो हमको उसको दूर ले जाना है, तो उसको दूर ले जाने के लिए हमको क्या करना है कि अपने पैर को खोलना है इस तरीके से। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जितना खोल सकते हैं आप खोलिए और फिर वापस ले आना है, फिर खोलिए और फिर वापस ले आइए। तो बस ये इसमें इस इतना ही करना है इस एक्सरसाइज में। और आप 10 से 20 रेपिटेशंस लगा सकते हैं और इसके 2 से 3 सेट आप दोनों साइड लगा सकते हैं। तो यह हमारी क्लैंप शेल एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। आगे बढ़ते हैं और अब हम एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं इसका नाम है फायर हाइड्रेंट। तो इसमें क्या करना है कि हमको पहले इस पोजीशन में ऐसे आ जाना है और इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो हाथ हैं वो हमारे कंधे के ठीक नीचे ऐसे होंगे जिससे पोजीशन अच्छी मेंटेन हो सके, और हमारे जो घुटने हैं वो हमारे हिप्स के नीचे होंगे इस तरीके से। तो ये 90 डिग्री का ये एक एंगल ऐसे बन जाएगा। हम अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं अब और हमारी बैक स्ट्रेट रहेगी। अब हमको क्या करना है कि ये घुटने का जो साइड वाला हिस्सा है इसको हमको छत की तरफ ऐसे उठा देना है बस। और उठाने के बाद कोई बहुत ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड तक आप रोक सकते हैं फिर आपको नीचे ले आना है। तो इसको कैसे करना है वो हम देखते हैं। उठाया, वापस ले आए, ये उठाया, वापस ले आए। तो इस तरीके से हमारी जो फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज है ये होती है। और दोनों साइड आपको ऐसे ही करना है, इस साइड भी आपको ऐसे ही करना है और 20-20 के आपको 3 सेट करने हैं। 20-20 के 3 सेट मतलब 60 बार लेफ्ट साइड और 60 बार राइट साइड। तो ये हमारी फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज जो है ये हो चुकी है पूरी। और बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर।
अब हम एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं इससे हम पेरिफेरल मसल को लूज करेंगे और मोबिलाइज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये फोम रोलर ले लिया है और इसी पर अब हमको मसाज करना है, तो हमको कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज को आप शुरू में भी कर सकते हैं, जितनी एक्सरसाइजेज हमने की है उसमें आप शुरू में भी इसको पहले कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है शुरू में करने में, तो आप इसको बाद में लास्ट में भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे करना है। बहुत सिंपल है, इसमें हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में मेरे पेन है, तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड वाली टांग को दूसरे घुटने पर इस तरह रख लेंगे, अपने एंकल को हम इस घुटने पर इस तरीके से रख लेंगे और ये हमारी पोजीशन जो है वो बन गई है, और लेफ्ट वाले हाथ से ही हम पीछे इस तरीके से टेक ले लेंगे ताकि हमें सपोर्ट रहे। और अब हमको क्या करना है, इस फोम रोलर पे हमको आगे पीछे इस तरीके से जाना है और अपनी पेरिफोरमिस मसल जो है उसका जो है मसाज करना है। तो ये हमारा जो मसाज है ये स्टार्ट हो चुका है, आप आगे पीछे भी इसमें जा सकते हैं और इसमें आप थोड़ा सा अपना जो डायरेक्शन है हिप का वो बदल भी सकते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से भी आप मुड़ सकते हैं और थोड़ा इस तरीके से भी मुड़ सकते हैं, आपको जो डायरेक्शन सही लगे और जिसमें आपको लग रहा हो कि ये हम मुझको ज़्यादा आराम दे रहा है, इस तरफ मुड़ के करने से मुझको ज़्यादा आराम मिल रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में ज़्यादा करें। तो इस तरीके से आप अंदर बाहर भी हिप को कर सकते हैं और आप सीधे सीधे भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको आप एक मिनट से लेकर दो मिनट तक कर सकते हैं, दो मिनट का आप टाइमर लगा लीजिए चाहे तो, या तो घड़ी देखते रहिए और दो मिनट तक आप इस तरीके से मसाज करते रहिए, तो इससे आपकी पेरिफोरमस मसल जो है वो लूज भी हो जाएगी और मोबिलाइज भी हो जाएगी, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और इससे भी इंटेंस अगर आप करना चाहते हैं, वैसे तो फोम रोलर से बहुत बढ़िया हो जाएगा, इससे भी इंटेंस अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बॉल पे आप सीधे सीधे ऐसे बैठ जाइए जैसे हम फोम रोलर पे बैठे थे, इस बॉल पे बैठ जाना है बस, ये आपको इंटेंस ज़्यादा लगेगी और हो सकता है कि आप इसको ना कर पाएं क्योंकि पेन हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अगर आप झेल सकते हैं और आपको अच्छा लग रहा है, फ़ायदा कर रहा है, तो आप बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो हम बॉल से सीधे 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 एक सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, आगे पीछे इस हाथ से हमने टेक ले लिया और हम अपनी अफेक्टेड साइड को कि अफेक्टेड साइड के नीचे हमने बॉल लगा ली है और उधर ही साइड के हाथ से हमने टेक ले लिए और हम इस तरीके से बॉल को नीचे रगड़ रहे हैं और हम मसाज हो रहा है हमारा। और अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अगर हम इंटेंस बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले की तरह हम इस पैर को इस तरीके से रख लें दूसरे घुटने पर, एंकल को घुटने पर हम इस तरीके से रख लें जैसे हम स्ट्रेचिंग वगैरह करते समय रख रहे थे और जैसे हमने फोम रोलर पे किया था वैसे ही। और अब हम जो है इसको कर सकते हैं, थोड़ा बैलेंस बनाने में आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये इसकी इससे जो है स्ट्रेचिंग आपकी और ज़्यादा बढ़ गई है और जो मसाज है वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया है। तो इसको भी आप एक से दो मिनट तक कर सकते हैं टाइमर लगा के या घड़ी देखकर। और इसी के साथ फिर ये एक्सरसाइजेज जो हैं इस वीडियो में सारी हम देख चुके हैं और ये वीडियो फिर इसी बात पर मैं ख़त्म करता हूँ। और उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको बहुत आराम मिले। और इसी बात पर फिर मैं मिलता हूँ सबसे एक नए वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय।